हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जी एंटरटेनमेंट का शेयर वैल्यूएशन करेंगे और जानेंगे क्या है सही समय शेयर खरीदने का। दोस्तों, इसमें आपने शेयर होल्ड करके रखा है तो आपको इसमें क्या एक्शन लेना है आपको एंड तक पता चल जाएगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। दोस्तों देखो, जी एंटरटेनमेंट का मेन देखो बिजनेस क्या है इसका, ब्रॉडकास्ट करने का, सैटेलाइट टेलीविज़न चैनल्स का और स्पेस सेलिंग एजेंट, जैसे कि देखो इनका सेल ऑफ मीडिया कंटेंट होता है। मीडिया कंटेंट में भी देखो क्या आता है, प्रोग्राम्स, फिल्म राइट्स, फीड, म्यूज़िक राइट्स, ये सब भी देखो इनका बिजनेस है दोस्तों। और दोस्तों इसका मार्केट कैप देखो 14,393 करोड़ है, उसका बुक वैल्यू देखो 98.86 रुपीज़ है। और देखो इसका डिविडेंड पे आउट रेशियो देखो 21.44% चल रहा है, मतलब डिविडेंड अच्छा खासा दे देती है। प्रोमोटर्स होल्डिंग देखो 4.87% है, यानी कि देखो इसने प्रोमोटर्स जो थे मुझे सुभाष चंद्र जी ने, उन्हें पूरा अपना शेयर जो गिरवी रखा था उन्हें ऑलमोस्ट पूरा शेयर बेच दिया। देखो राइट साइड में देखो आप देखेंगे चेंज इन प्रोमोटर्स होल्डिंग इन थ्री ईयर्स में देखो 38.2 माइनस में, देखो इतना पूरा उन्होंने सेल कर दिया है पूरा, जो कि मतलब पूरा कर्जे से निकल गए है पूरा बाहर। लेज परसेंटेज देखो 18.52% है, देखो ऑलमोस्ट उन्होंने पूरा अपना एक हिस्सेदारी बेच दिया उन्होंने, जो ऑलमोस्ट पूरा हिस्सेदारी थी। और बीच में देखो करंट प्राइस देखो 149.85 है और स्टॉक पी देखो 8.3, बहुत कम पी पर देखो ट्रेड हो रहा है। नीचे देखो डेट टू इक्विटी देखो 0.08, देखो कितना कम, एक से हम कंपेयर करें तो कितना कम, यानी कि जीरो डेट कंपनी के आसपास ही चली गई। पहले देखो उसका हाई डेट था दोस्तों, उस समय ये रिस्की था इसमें पैसा डालना, लेकिन अभी ये जीरो डेट है। अब देखो फेस वैल्यू इसका 1 रुपीज़ है और राइट हैंड में 52 वीक हाई और लो देखो, 52 वीक हाई देखो 439 रुपीज़ था इसका और लो देखो अभी 114 तक गिरा हुआ था, देखो 149-150 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है दोस्तों। मतलब देखो बहुत कम रेट पर ये अभी अवेलेबल है। डिविडेंड यील्ड भी देखो 2.34 भी ठीक ठाक परसेंटेज दे रहा है यहाँ पर दोस्तों। इसका भी क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं एक बार, दिसंबर 18 को दिसंबर 19 से कंपेयर करेंगे। देखो दिसंबर 18 में देखो इसका सेल था 2167 करोड़, जो कि देखो ये कम हो गया है। दिसंबर 19 में थोड़ा देखो गिरावट हुई थी 2049 करोड़, इसलिए गिरावट की वजह से भी देखो शेयर में भी गिरावट आई थी ये टाइम, जैसे क्वार्टरली रिजल्ट आया था ना तो बहुत गिर गया था शेयर। नेट प्रॉफिट देखो दिसंबर 18 में 562 करोड़ था, जो कि दिसंबर 19 में देखो 349 करोड़ हो गया। देखो ये दिसंबर 19 में देखो यहाँ पर प्रॉफिट में भी गिरावट हुई थी दोस्तों। उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लेते हैं, दिसंबर मार्च 2008 से लेके मार्च 2019 तक एक नज़र मार लेते हैं। देखो मार्च 2008 में देखो 18,1835 करोड़ था, वो जो बढ़कर देखो 2177 करोड़ हुआ, फिर 2200 करोड़, 3000 करोड़, 3040 करोड़, 3700 करोड़, 4400 करोड़, 4800 करोड़, फिर 5800 करोड़, 6400 करोड़, देखो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे मैं एक एक फटाफट पढ़ रहा, देखो 6686 करोड़ हुआ, फिर 793, हर बार देखो बढ़ा है, किसी भी साल में गिरावट नहीं है। फिर नीचे भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में मार्च 2008 में देखो 383 करोड़, 512 करोड़, 634 करोड़, 637 करोड़, 589 करोड़, 720 करोड़, 892 करोड़, 978 करोड़, 823 करोड़, यहाँ थोड़ा गिरावट हुई है। मार्च 2016 को थोड़ा गिरा है, उसके बाद देखो बहुत जंप लिया है। मार्च 2017 को देखो 2221 करोड़ हो गया सीधा, फिर उसके बाद 1479 करोड़, थोड़ा यहाँ गिरावट हुई है। मार्च 2018 में थोड़ा गिरावट हुई और थोड़ा मार्च 2019 में स्टेबल हुआ है 1567 करोड़। तो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस तो एक दो साल में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बाकी पिछले से एकदम अच्छा खासा रिकॉर्ड है स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड का। बैलेंस शीट भी देख लेंगे तो शेयर कैपिटल और रिजर्व पर एक बार नज़र मारेंगे तो दोस्तों देखो शेयर कैपिटल मार्च 2008 को 43 करोड़ था, रिजर्व 2818 करोड़ था, जो कि देखो यहाँ पर बढ़कर सितंबर 2019 में देखो 96 करोड़ और 9399 करोड़ हो गया। मतलब रिजर्व में देखो बहुत बड़ा देखो अमाउंट पड़ा हुआ है। और यहाँ पर बोरोइंग भी देखेंगे तो मार्च 2008 को देखो 387 करोड़ था, जो कि अभी देखो थोड़ा बड़ा है हल्का सा, यानी कि 736 करोड़, इसलिए कम इसलिए बोलोगे दोस्तों। देखो यहाँ पर मार्च 2017 को देखोगे ना आप, उसका देखो बोरोइंग यहाँ पर 2203 करोड़ था, कितना भारी देखो हाई डेट था यहाँ पर, देखो उसने कम कर दिया है। बाकी सेप्टेम्बर 19 में 736 करोड़ का देखेंगे तो बहुत कम किया है बोरोइंग। फिर फिक्स एसेट में देखो तो 1499 करोड़ था मार्च 2008 को, वो कि देखो स्टेबल ही है 1577 के आसपास चल रहा है। और इन्वेस्टमेंट 252 करोड़ से अभी सेप्टेम्बर 19 में 931 करोड़ होगा। ये सब देखो सब प्लस पॉइंट है दोस्तों। एक साल का चार्ट देख लेते हैं उसका, देखो एक साल पहले देखो ये अराउंड 400 के आसपास देखो इसका ट्रेड हो रहा था, फिर ये देखो गिरकर अभी आपको पता है 150 के आसपास आ गया है, 150 तक हो गया है।
दोस्तों उसका शुरू से लेकर अभी तक आप पूरा चार्ट देख लेते हैं। दोस्तों देखो, 1 जनवरी 2008 का देखो, जो मंदी के टाइम शुरू होने से पहले के देखो 157 रुपीज़ था उसका। फिर 2009 में गिरते गिरते 53 रुपीज़ तक हो गए थे दोस्तों, ये साल भर गिरते गिरते। उसके बाद देखो फिर नेक्स्ट ईयर में 130 तक जंप ले लिया उसने। फिर बढ़ते बढ़ते देखो 226, फिर 382, फिर 567, 601, देखो 600 तक उसने जंप लिया है दोस्तों। फिर अब देखो गिरते गिरते एकदम बीच में सुभाष चंद्र जी का देखो, उन्होंने लोन बहुत उठा हुआ था, प्लेज करके लगा हुआ शेयर, सब प्रॉब्लम चल रही थी कंपनी में, इसलिए देखो गिरावट होते होते 150 रुपये तक ट्रेड अभी हो रहा है दोस्तों। ये ठीक ठाक रेट पे अवेलेबल है अभी दोस्तों। इसका देखो पीई से कंपेयर करके ले गए थे दूसरे कंपनियों से, तो देखो ये बाकी के कंपनियों के हिसाब से ठीक ठाक वैल्यू पर देखो अवेलेबल है। 8.3 का देखो पी जी का है, बाकी का देखो सब ज़्यादा ही है दोस्तों। ऑलमोस्ट ये जी का ही स्ट्रॉन्ग कंपनी भी है और अच्छा है, रेट पर अवेलेबल है। डिविडेंड यील्ड भी देखो ठीक ठाक है उसका, और प्रॉफिट में देखो ये एक इन्वेरियंस हुआ है यहाँ पर, ये मानता हूँ थोड़ा, लेकिन ये आगे चलकर अच्छा हो सकता है, चेंज आ सकता है इसके अंदर। दोस्तों उसका एनएससी पर कारोबार देख लेते हैं कैसे चल रहे हैं। जैसे एनएससी में देखो ये 9 अप्रैल को देखो ये 4% एनएससी ये निफ्टी तेज था, तो यहाँ पर देखो ये भी ये 4.58% तेज था, ये जी 6.55 रुपीज़ बड़ा हुआ था। तो उसका देखो डिलीवरी परसेंटेज देख लेते हैं, नीचे देखो दिया है परसेंटेज ऑफ डिलीवरी क्वान्टिटी, इसमें देखो 25.32% है, ठीक ठाक, मतलब डिलीवरी उठा रहे हैं, बहुत अच्छा भी नहीं है, ठीक ठाक है दोस्तों। ये अब देखो और भी शायद मेरे हिसाब से गिर सकता है, अभी गिरावट में देखो और भी नीचे आता है, तब तक वेट कीजिए इसका, एक अच्छे टाइम पर इसको उठा सकते हो। एक शेयर अच्छा है आपके पोर्टफोलियो में, एक इसको भी आप ऐड करोगे तो मेरे हिसाब से एक अच्छा हो सकता है दोस्तों। दोस्तों इससे आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से भी पूछिए कि और उसमें जो भी डिसीजन लेना हो दो तीन लोगों से पूछ के डिसीजन लीजिए दोस्तों। दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगे इसे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा, और आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।